नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से हिंदी साहित्य के महान लेखक विष्णु प्रभाकर जी का सामान्य जीवन परिचय आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। विष्णु प्रभाकर जी का सामान्य साहित्यिक जीवन परिचय। विष्णु प्रभाकर हिंदी साहित्य के एक सुप्रसिद्ध लेखक हैं। सच पूछा जाए तो ये आधुनिक हिंदी साहित्य के एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकारों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले साहित्यकार हैं। इनका जन्म 21 जून सन 1912 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत मीरापुर नामक एक गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की ही पाठशाला में हुई थी। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद था, जो एक धार्मिक विचारों के व्यक्ति थे, और माताजी का नाम महादेवी देवी था, जो एक पढ़ी लिखी महिला थी। इन्होंने अपने समय में पर्दा प्रथा का खुलकर विरोध किया था एवं उनकी पत्नी का नाम सुशीला था। कहा जाता है कि विष्णु प्रभाकर जी बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में विशेष रुचि लेते थे। पाठशाला से छुट्टी मिलने के बाद ये पिताजी के साथ बैठकर उनकी संचित की हुई पुस्तकें एक एक करके पढ़ते रहते थे। इनमें बचपन से ही गणित के साथ साथ हिंदी के पठन पाठन में भी विशेष रुचि उत्पन्न हो गई थी। कुछ कारणों से इन्हें अपनी माता के साथ आगे चलकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए पंजाब जाना पड़ा था। घर की हालत ठीक नहीं होने की वजह से वे आगे चलकर पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर सके और घर परिवार चलाने के लिए उन्हें नौकरी भी करनी पड़ी। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के तौर पर काम करते समय उन्हें प्रति माह 18 रुपये वेतन मिलते थे, लेकिन मेधावी और लगनशील होने के कारण इन्होंने वहीं एक स्कूल में रहकर हिंदी, इतिहास, संस्कृत एवं धर्म शिक्षा आदि विषय की भी पर्याप्त जानकारी हासिल कर ली। इन्होंने कई विषयों का वहां पर गहरा अध्ययन किया। इन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने अध्ययन को जारी रखा। ये बचपन से ही बहुत ही मेधावी विद्यार्थी थे। शिक्षा समाप्त करने के बाद इन्होंने सरकारी नौकरी कर ली। नौकरी करते हुए भी ये साहित्य के अध्ययन और लेखन में लगे रहे। कहानी लिखने में इनका मन बहुत अधिक रमता था। सन 1939 ईस्वी में इन्होंने कुछ मित्रों की प्रेरणा से अपना प्रथम एकांकी लिखा, जिसका शीर्षक था हत्या के बाद। वह हंस नामक पत्रिका में प्रकाशित भी हुआ और अपने युग के अच्छे एकांकियों में माना गया, और सौभाग्यवश अपने युग के अच्छे एकांकियों में गिना गया। भारत विभाजन के उपरांत आकाशवाणी में ध्वनि नाट्यों की मांग बढ़ गई थी। दिल्ली में रहते हुए ये विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थाओं के सदस्य भी रहे। यही नहीं, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर ड्रामा प्रोड्यूसर और बाल भारती के संपादक भी रहे। यही नहीं, ये आगे चलकर प्रेमचंद, यशपाल, जैनेन्द्र महारथियों के भी सहयात्री बने, लेकिन रचना के क्षेत्र में इनकी एक अलग ही पहचान रही। कहा जाता है कि इनका आरंभिक नाम विष्णु दयाल था, जो आगे चलकर विष्णु प्रभाकर में परिवर्तित हो गया। दरअसल एक संपादक ने इन्हें प्रभाकर उपनाम रखने की सलाह दी थी। तब से ये हिंदी जगत में विष्णु प्रभाकर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। विष्णु प्रभाकर जी ने अपनी लेखनी से
हिंदी साहित्य को काफी समृद्ध किया। उन्होंने साहित्य की लगभग सभी विधाओं में अपनी लेखनी चलाई। कहा जाता है कि नाथूराम शर्मा प्रेम के कहने पर ही उन्होंने बंगला साहित्य के महान हस्ताक्षर शरदचंद्र चट्टोपाध्याय के संपूर्ण जीवन को एक जीवनी के रूप में आवारा मसीहा के नाम से लिखा। जब यह जीवनी छपकर आई तो हिंदी साहित्य जगत में विष्णु प्रभाकर जी की धूम मच गई। ऐसे तो इन्होंने साहित्य की सभी विधाओं पर लेखनी चलाई। कहने का अर्थ यह है कि विष्णु प्रभाकर जी ने कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, संस्मरण, बाल साहित्य आदि सभी विधाओं में प्रचुर मात्रा में साहित्य लिखे। परंतु इसके बावजूद भी आवारा मसीहा उनकी अपनी एक अलग पहचान बनी। आवारा मसीहा लिखने के कारण ही विष्णु प्रभाकर जी बहुत अधिक लोकप्रिय हुए। बाद में अर्धनारीश्वर पर इन्हें बेशक साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला, किंतु आवारा मसीहा ने हिंदी साहित्य जगत में उनका मुकाम एक अलग ही रखा, उनकी एक अलग ही पहचान बनी। विष्णु प्रभाकर जी एक उदार हृदय के व्यक्ति थे। इन्होंने अपनी वसीयत में अपने संपूर्ण अंगदान करने की भी इच्छा व्यक्त की, इसीलिए उनका अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया था, बल्कि उनके पार्थिव शरीर को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को सौंप दिया गया था। विष्णु प्रभाकर जी सीने और मूत्र में संक्रमण तथा न्यूमोनिया होने के कारण 23 मार्च 2009 ईस्वी से महाराजा अग्रसेन अस्पताल में भर्ती थे। उन्होंने 20 मार्च से खाना पीना ही छोड़ दिया था और 11 अप्रैल 2009 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। आइए इनका संपूर्ण परिचय देने के बाद इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी उसकी भी यहां पर चर्चा कर देना चाहता हूं। प्रमुख कृतियां, इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। उपन्यास ढलती रात, स्वप्नमयी, अर्धनारीश्वर, धरती अभी घूम रही है, क्षमादान, दो मित्र, पाप का घड़ा, होरी आदि। नाटक हत्या के बाद, नव प्रभात, डॉक्टर प्रकाश और परछाई, 12 एकांकी, अशोक, अब और नहीं, टूटते परिवेश। कहानी संग्रह संघर्ष के बाद, धरती अभी घूम रही है, मेरा वतन, खिलौने आदि और अंत। आत्मकथा पंखहीन नाम से उनकी आत्मकथा 3 भागों में राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। जीवनी आवारा मसीहा, यात्रा वृतांत, ज्योति पुंज, हिमालय, जमुना गंगा के नहर में। यही नहीं, जीवन संस्मरण, यात्रा वृतांत, विचार निबंध और बाल साहित्य की अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। भाषा शैली, इनकी भाषा सरल, सरस और सुबोध है। इन्होंने सर्वत्र ही बोलचाल की भाषा का ही प्रयोग किया है कि भाषा में सरसता, सहजता, स्वाभाविकता के गुण भी पाए जाते हैं। इनकी भाषा सरल, सरस, सहज एवं मुहावरेदार है। सम्मान, विष्णु प्रभाकर जी एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। इन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जैसे पद्मभूषण, अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए भारतीय ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी सम्मान तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार इत्यादि। दुर्भाग्यवश हिंदी के ऐसे महान साहित्यकार का निधन 11 अप्रैल 2009 ईस्वी को हो गया। इस तरह हम देखते हैं कि विष्णु प्रभाकर जी हिंदी साहित्य के एक सुप्रसिद्ध लेखक हैं। इन्होंने अनेक लघु कथाएं, उपन्यास, नाटक तथा यात्रा संस्मरण भी लिखे हैं। उनकी कृतियों में देश प्रेम, राष्ट्रवाद तथा सामाजिक विकास
मूल भाव के रूप में दिखलाई पड़ते हैं। यही नहीं, आधुनिक हिंदी साहित्य के बहुमुखी कथाकारों व श्रेष्ठ रचनाकारों में विष्णु प्रभाकर जी का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। हिंदी साहित्य को एक नया मोड़ देने वाली साहित्यकारों में इनका नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।